हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको थ्री पिन प्लग के कनेक्शन के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इसका कनेक्शन कैसे होता है, इसका न्यूट्रल फेस का कनेक्शन कैसे किया जाता है। दोस्तों, अक्सर होता ये है कि अब कोई भी मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ में आपको इस तरह का प्लग मिलता है। देख सकते हैं, इसमें ये फिक्स रहता है, इसमें कहीं से कोई खुलने का सिस्टम नहीं रहता है और इसमें सारा कनेक्शन किया हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों, किसी किसी मशीन में आपको इस तरह का प्लग नहीं मिलता है, केवल इस प्रकार का वायर, खुला हुआ वायर मिलता है जो कि तीन कलर का वायर रहता है। और दोस्तों इसमें आपको कनेक्शन करना पड़ता है, इस तरह का टॉप खरीद के ला करके इसमें आपको कनेक्शन करना पड़ता है। दोस्तों, इसमें तीन कलर का वायर होने के कारण इसमें आपको पता नहीं चलता कि न्यूट्रल कौन है, फेस कौन है और बॉडी अर्थ कौन है। दोस्तों, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लग है जो कि खराब हो चुका है और इसके अंदर से तीन प्रकार का तार है, ये तार आपका जल गया, तो आप इसको जब खरीद के लाएंगे तो कनेक्शन करने में आपको दिक्कत होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में कनेक्शन बताने वाले हैं कि इसका कनेक्शन, सही कनेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, बने रहें कंप्लीट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, इसका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको इसको खोल लेना है। दोस्तों, खोलने के लिए देख सकते हैं इसमें चार गो स्क्रू लगा हुआ है, लेकिन इसमें आपको ये दोनों स्क्रू खोलना है, ये दोनों नहीं खोलना है। तो दोस्तों, ये 16 एम्पीयर का सॉकेट में यहाँ पे दोनों दो होता है। अगर 6 एम्पीयर का लीजिएगा तो आपको एक ही देखने को मिलेगा बीच में, और ये दोनों साइड में मिलेगा, तो आपको बीच वाला केवल खोलना है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं, ये दोनों स्क्रू को। तो दोस्तों, देख सकते हैं कुछ खोलने के बाद कुछ इस प्रकार से है अंदर में। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए आप इसका कनेक्शन करने के लिए आपको ये वाला जो है इसको आपको इसके अंदर डाल लेना है। और इसके अंदर डालने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जो आप दो स्क्रू बचा हुआ था इसको आप ढीला करेंगे, खोलेंगे तो ये वाला खुल जाएगा। इससे होता क्या है कि ये आपका तार को पकड़ करके रखता है। तो चलिए इसमें इन तीनों तार को हम घुसा लेते हैं। देख सकते हैं, इन तीनों तार को इसमें घुसा लेना है, और इसमें घुसाने के बाद इसको एक केबल को आप यहाँ तक कर सकते हैं तो आपका देखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब ये इसको इस प्रकार से लगा देना है, और इसको जो है सो जो आप ढीला किए थे इसको टाइट कर देना है अच्छे से। तो दोस्तों, इसको अच्छे से टाइट कर देंगे तो ये तार को आपका पकड़ के रखेगा और मजबूती से इसको पकड़े हुए रखेगा। आपको तार अगर किसी प्रकार से खिंचाता है तो ये जल्दी से निकलेगा बाहर नहीं। तो दोस्तों, अब इसका कनेक्शन करना है। दोस्तों, इसका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले इसका जो है बॉडी अर्थ का पहचान कर लेता है। दोस्तों, बॉडी अर्थ का पहचान कर कैसे करेंगे। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं इसमें दो कलर मिला हुआ है, इसमें मल्टी कलर है, एक पीला कलर है और एक ये ग्रीन कलर है। तो दोस्तों, ये जो है ग्रीन जो होता है वैसे भी ये अर्थ का सिंबल होता है और ये अर्थिंग है। तो दोस्तों, इसको आप अर्थिंग में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम अर्थिंग में कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले अर्थिंग में कनेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, अब ये अर्थिंग में कनेक्ट हो गया है, और अब ये दो तार बचा हुआ है, एक फेज और एक न्यूट्रल। तो दोस्तों, इसको हम किसी में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, इसका सही कनेक्शन करने से आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आपका जो कोई भी जो सामान है, मशीन है, वो सही से वर्क करेगा, इसमें ज़्यादा कभी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, इसका फेज और न्यूट्रल कौन सा है, कैसे पहचान करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू वायर है और ये ग्रीन वायर से लगभग मिलता जुलता वायर है, ये इसलिए न्यूट्रल वायर होगा। और दोस्तों, फेज वायर हमेशा एट्रैक्टिव कलर होता है, जैसे रेड हो गया, पीला हो गया, ये सब जो वायर है जो लगभग फेज में यूज होता है। तो दोस्तों, इसको हम न्यूट्रल वायर में यूज करेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल ही है। तो दोस्तों, आप इसका कनेक्शन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिखा हुआ है एल और इधर लिखा हुआ है एन। तो दोस्तों, ये जो एल है इसमें हम लाइन का तार देंगे। दोस्तों, देख सकते हैं ये जो इसको हम लाइन बना रहे हैं और ये लाइन का तार है, तो इसको हम लाइन का कनेक्शन दे रहे हैं। और दोस्तों, इसमें देखिए लाइन का कनेक्शन, इसको कनेक्शन कर देना है, और अब बच जाएगा आपका इसमें यहाँ पे न्यूट्रल का वायर। तो इन दोनों को इसका कनेक्शन सही कर देना है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको बॉडी अर्थ का तार में रहता है कि बॉडी अर्थ का तार कौन सा है, वो या किस में जुड़ेगा। और दोस्तों, इस सब में अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं तो इसको आप किसी में भी जोड़ेंगे तो आपका जो उपकरण है वो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसमें जब आप कनेक्शन काटेंगे तो आपका कनेक्शन एक कटेगा, कभी हो सकता है न्यूट्रल कट जाएगा और फेज नहीं कटेगा, फेज को बायपास करते रहेगा। इसलिए दोस्तों, फेज और न्यूट्रल का तार जो है हमेशा ध्यान में रख के कनेक्शन करना चाहिए, जिससे होता कि आप अगर स्विच ऑफ करते हैं तो उसका फेज का कनेक्शन कट जाना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन कर लेना है। देख सकते हैं ये फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया है। दोस्तों, ये हो गया बॉडी अर्थिंग, ये हो गया फेज और ये हो गया न्यूट्रल। दोस्तों, ये जो है
हमेशा आप देखेंगे तो ये आपका लेफ्ट साइड में मिलेगा, एल जो है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हाथ जो होता है उसमें मिलेगा, और राइट साइड में न्यूट्रल होता है इस प्रकार से पलटने के बाद। और अब इधर जब पलटेंगे तो ये आपका राइट साइड में हो जाएगा और न्यूट्रल लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है। चलिए इस कनेक्शन अब इसको हम पैक कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसको जिस प्रकार से हमने खोला था इसको उसी प्रकार से इसको बंद कर देना है, टाइट कर देना है। और दोस्तों अब हम इसको आपको दिखाते हैं कि जो एल साइड है, एल साइड में कनेक्शन क्यों होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो है मेरे पास एक बोर्ड है और इसमें दोस्तों ये सॉकेट में हमेशा राइट साइड में कनेक्शन आना चाहिए। देख सकते हैं ये राइट साइड में फेज आ रहा है मेरा और इसी साइड में आना चाहिए। जैसे कि हम स्विच से ऑफ करेंगे तो देख सकते हैं ये भी अभी ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये राइट साइड में होना चाहिए। तो दोस्तों ये जब राइट साइड में होगा और ये जो एल लिखा हुआ है ये भी राइट साइड में मेरा आ गया है। अब इसका कनेक्शन हम यहाँ पे अगर करते हैं तो ये मेरा फेज टू फेज इसमें जा रहा है और जब स्विच ऑफ करेंगे तो ये इससे मेरा फेज का कनेक्शन कट जाएगा और मेरा जो है सो कोई भी उपकरण है वो सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ आपको अच्छी और नई जानकारी सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।